देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा वाइट वाला ब्रिंजल। जो सफ़ेद ब्रिंजल होते हैं जिसको हम भर के बनाते हैं, वो है ये ब्रिंजल का प्लांट। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे कि दिख ही रहा होगा इस वीडियो में, मेरा ब्रिंजल का प्लांट कितने हैवी फ्रूटिंग एंड कितना हेल्दी है मेरा प्लांट। तो चलिए आज मैं इसी का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ब्रिंजल प्लांट का, कि किस तरह से मैंने इसको ग्रो किया और कैसे मैंने इससे हैवी फ्रूटिंग यानी कि वेजिटेबल लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्रिंजल के प्लांट के बारे में मैं बताऊं तो मैंने इस ब्रिंजल के प्लांट को सीड से ग्रो किया था। मैंने अप्रैल एंड में इस ब्रिंजल प्लांट के सीड ग्रो किए थे और उसको मैंने जब 4-5 इंच की उसकी जो छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए, उसके बाद मैंने उस प्लांट को ज़मीन में ग्रो कर दिया और तेज़ धूप में मैंने इन छोटे छोटे बेबी प्लांट को काफ़ी केयर से रखा। तो आज मुझे ये खूब अच्छी फ्रूटिंग यानी कि वेजिटेबल दे रहा है, आपके सामने ही है। और खाद वगैरह की, मिट्टी वगैरह की मैं बात करूँ तो मिट्टी मैंने इसकी जब तैयार की थी सीडलिंग के लिए, तो मैंने नॉर्मल मिट्टी, थोड़ी सी रिवर सैंड और थोड़ा सा कंपोस्ट मिला के इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट तैयार कर लिए थे। और उसके बाद जब मैंने इसको ज़मीन में लगाया था तो 4-5 जब ये इंच का हो गया था, उसके बाद मैंने इसको ज़मीन में ही लगा दिया था। फिर ज़मीन में भी मैंने इसको काफ़ी केयर से रखा कि अदर प्लांट्स के साथ कहीं ये मेरा प्लांट और ख़राब ना हो जाए। तेज़ धूप में भी इसको थोड़ा मैं छाया कर देती थी, जैसे कि जब तक ये मैच्योर नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर इस तरह से आज मेरा आप देख ही सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना बड़ा एंड हेल्दी है। तो फुल केयर करने के बाद फ्रेंड्स, आज मेरे को ये वेजिटेबल्स अच्छी दे रहा है। और अगर इसकी खाद की बात करें तो फ्रेंड्स, मैं इसको कंपोस्ट डाल देती हूँ और जो मैंने लीव कंपोस्ट बना के रखती हूँ मेरे घर में, वही मैं इसकी जड़ में ने डाल दिया था जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो देखिए आज मुझे ये बहुत अच्छे वेजिटेबल दे रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, केयर करते हुए मैंने मेरा, देखिए ये एकदम ब्रिंजल का प्लांट कितना बड़ा कर लिया है और आज ये मुझे बहुत अच्छी ब्रिंजल दे रहा है। और फुल सनलाइट का प्लांट है ये, जब तक इसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी। और पानी का थोड़ा इसका देख रेख करनी पड़ती है, पानी ज़्यादा ना हो जाए ये भी ध्यान रखें। और इसी तरह से केयर करते हुए मैं इस ब्रिंजल प्लांट को ग्रो कर रही हूँ और हैवी फ्रूटिंग ले रही हूँ इससे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल।